पेंट करके रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मरीना बीच में संडे को काफी भीड़ भड़का होता है ना, क्या होगा लाइफ में, क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या। अच्छा दोस्तों, मनोज नाथ फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज शाम के समय मैं निकला हूँ थोड़ा मार्केट में, तो देखता हूँ खाने पीने के लिए और थोड़ी सी अगर शॉपिंग के लिए कोई जगह देखी जाए। तो ऐसे मैंने स्पॉट किया है फ्लाईओवर के, कितना अच्छे से इन्होंने पेंट करके रखा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। नीट एंड क्लीन है, क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखते हैं ये लोग, क्लीनिनेस का इन्होंने बहुत, मतलब नॉट 100% हर जगह साफ सफाई है बट मैक्सिमम जगह पे साफ सफाई है, तो अच्छा लगा वो मेरे को देख के। आज मैं जाता हूँ, एक छोटी सी मार्केट है किसी ने बताया इधर, तो देखता हूँ कैसी है वो मार्केट। ज़्यादा चला नहीं था, थोड़ा बहुत ही बैग लेके आया, थोड़ा भी चिप्स लेके जाने घर को उसके लिए, और स्लीपर्स लिए मैंने अपने लिए क्योंकि जूते पहन पहन के हालत ख़राब हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेना बीच जाके आता हूँ, बस में बैठ गया हूँ, दोस्तों देखता हूँ रात को कैसा होता है, मैं आ जाऊँगा वापस। दोस्तों अभी हम आ गए रेत के ऊपर, और इधर मरीना बीच। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं आगे चल के जाऊंगा तो सी आपको दिखेगा। और तो मरीना बीच में संडे को काफ़ी भीड़ भड़का होता है, संडे है जैसे कि। और यहाँ पे मरीना बीच की दो तरफ है, तो एक साइड आप इस साइड देखेंगे वो दिन में देखने लायक है, रात को भी वैसे लाइटिंग लूटिंग अच्छी है वहाँ पे। बट वो मॉन्यूमेंट टाइप का जहाँ जयललिता को दफनाया है, उनकी जो समाधि बनाई है वो है, और अच्छी से उसको उनके फ्रीडम फाइटर्स के पुराने थे उनके नाम नुम लिखे गए हैं। और ये साइड है जो कि सी की शोर है, और क्या मस्त हवा आ रही है। मैं अभी नज़दीक जाके आपको सी के पास दिखाते, उससे पहले क्या करते थे यहाँ कुछ फिश फ्राई करके या कुछ सेल करते थे, तो देखते हैं अभी भी वैसा होता है या नहीं। तो दोस्तों मेला लगा है पूरा, तो अगर मैं दिखा पा रहा हूँ सी। सामने मैं सो गया हूँ, रेडिया रेट पे बड़ी ठंडी हवा आ रही है,
दिल तो कर रहा है कि हॉस्टल ना ही जाऊँ, नहीं सो जाऊँ, बट जाना पड़ेगा। ऐसे में पुरानी यादें कुछ ताज़ा होगी। तो दोस्तों पुराने दिन याद आ गए, जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो संडे को यहीं आके फिर बैठा रहता था, चार पाँच पाँच छः छः घंटे बैठा रहता था। आज भी मैं वैसे बैठ के लेट गया था और बड़ा मज़ा आया, वही पुराने दिन याद आ गए कि क्या सोचते रहना, क्या होगा लाइफ में, क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा आगे फ्यूचर। सो दैट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। तो बैठा था मैं वैसे ही, पुराने दिन याद आ गए कि क्या हम तीन चार दोस्त आके यहाँ बैठे रहते थे। एंड सही है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सो इट वाज रियली नाइस ओवर हियर एंड काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है पहले से। पहले यहाँ इक्का दुक्का ही दुकानें होती थी, मीन्स लाइक ये जो फिश फ्राइज की हैं सिर्फ यही होती है, बट अभी तो आइसक्रीम कॉर्नर और टैटूस एंड एवरीथिंग खुल गए हैं। तो आइसक्रीम कॉर्नर, टैटू शॉप्स हैं, ये झूले पहले नहीं होते थे। पहले जब हम कॉलेज में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था। ये देखिए फिक्स शॉप्स बना दी हैं अभी, ये सारी जो है टैटू शॉप्स हैं, ये सारी फिक्स शॉप हैं यहाँ पर। दोस्तों इनका जो पार्क, ये एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाता है। वीडियो को मैं इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ ख़त्म करता हूँ।